हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है? स्विच इज़ अ मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट। ये एक मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट है जिसमें मल्टीपल ऑप्शन में से एक हम सेलेक्ट करेंगे। दिस स्टेटमेंट टेस्ट द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन और कंडीशन अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट इंटीजर कैरेक्टर स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट बट नेवर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। स्विच स्टेटमेंट एक वैल्यू को एक कॉन्स्टेंट के अगेंस्ट टेस्ट करती है। इफ़ अ मैच इज़ फाउंड बट कॉन्स्टेंट इंटीजर कैरेक्टर और स्ट्रिंग में से कुछ हो सकता है, कभी भी पॉइंटेड वैल्यू नहीं होती है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो होते हैं। इफ़ अ मैच इज़ फाउंड, जब हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं कॉन्स्टेंट का अगेंस्ट अ वैल्यू और एक्सप्रेशन, अगर मैच हो जाता है तो स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद दैट कॉन्स्टेंट आर एग्जीक्यूट अंटिल द ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड और एंड ऑफ स्विच इज रीच। जब कोई केस मैच हो जाता है तो उस केस के अंडर में जितनी भी स्टेटमेंट है सारी एग्जीक्यूट होने लगती हैं, जब तक या तो ब्रेक स्टेटमेंट ना आ जाए या फिर स्विच का एंड ना हो जाए। द डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट्स व्हेन नो मैच इज़ फाउंड बट द डिफ़ॉल्ट इज़ ऑप्शनल स्टेटमेंट। मैंने बताया कि स्विच एक मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट है। अगर हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यू, जिस चीज़ को हम कॉन्स्टेंट के अगेंस्ट टेस्ट कर रहे हैं, हमारी एक्सप्रेशन की वैल्यू, अगर वो मैच नहीं हो पाती तो लास्ट में इसमें एल्स डिफ़ॉल्ट होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने पिछले वीडियो में एल्स इफ लैडर पढ़ा, उसमें लास्ट में एल्स आता था जो उस टाइम एग्जीक्यूट होता है जब कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। इसी तरह स्विच में होता है, बहुत सारे केसेस होते हैं। अगर कोई भी केस कॉन्स्टेंट, कोई भी केस मैच नहीं होता है हमारी वैल्यू से या एक्सप्रेशन या कंडीशन से, उस केस में हमारा डिफ़ॉल्ट पार्ट एग्जीक्यूट होता है। बट डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं कि डिफ़ॉल्ट को हम स्विच में लगाएं। अगर लगा होता है तो एग्जीक्यूट हो जाता है और इसके अंदर की वैल्यू प्रिंट हो जाती है या प्रॉपर काम जो इसमें हमने किए वो होने लगते हैं। नहीं लगाया तो फिर स्विच कुछ भी नहीं करता जब कोई केस मैच नहीं होता है। स्विच कैन ओनली वर्क फॉर इक्वलिटी कंपैरिजन। स्विच का एक बेस है कि ये सिर्फ इक्वलिटी कंपैरिजन के लिए काम करता है, बिकॉज इट टेस्ट द इक्वलिटी ऑफ वेरिएबल अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज। जिस वेरिएबल को हम टेस्ट कर रहे हैं उस वेरिएबल को ये कंपेयर करता है वन बाय वन सारे केसेस से। जहाँ पर मैच हो जाता है वहाँ पर ये अपना काम शुरू कर देता है, अदरवाइज आगे बढ़ जाता है। तो स्विच हमेशा इक्वलिटी कंपैरिजन के लिए काम करता है। स्विच में हम तीन तरीके से काम करते हैं, स्विच विद इंटीजर, स्विच विद कैरेक्टर और स्विच विद स्ट्रिंग। तो पहला केस आज हम जो करेंगे इस वीडियो में वो स्विच विद इंटीजर करेंगे। ये स्विच का सिंटैक्स है, यहाँ पर हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है और ये वैल्यू एक्सप्रेशन के थ्रू भी जनरेट हो सकती है और डायरेक्ट भी आ सकती है। इस वैल्यू को फिर इन केसेस के अगेंस्ट हम कंपेयर करते हैं। अगर हमारा केस वन से ये वाली वैल्यू मैच हो जाती है, मतलब यहाँ पर भी वन आ रहा है यहाँ पर भी वन आ रहा है, तो हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पर टू है तो वो इससे मैच होगा तो फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू है जो ना तो वन से मैच होती है ना टू से, सपोज थ्री फोर फाइव कुछ भी है, तो इस केस में फिर डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होएगा। तो ये कैसे होता है इसको प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। यहाँ पर हमें एरिया कैलकुलेट करना है। अगर हम फर्स्ट वन प्रेस करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट होगा, टू में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, थ्री में एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये कैसे काम करता है इसको हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग नोटपैड ओपन करेंगे। यहाँ पर हम लोग स्कैनर क्लास लेंगे। तो फॉर स्कैनर क्लास हम लोग इम्पोर्ट करेंगे जावा डॉट यूटिल पैकेज को। इसके बाद हम लोग एक क्लास लगाएंगे स्विच विद इंटीजर। ये मैंने एक क्लास ले ली है। इस क्लास के अंदर हम लोग मेन मेथड लगाएंगे। इसके बाद हम लोग एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब हम यहाँ पर एक मेन्यू बनाएंगे। पहले सबसे पहले हम एक मेन्यू तैयार करेंगे। स्विच से हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। वन फॉर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल के बाद दूसरे नंबर पे आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एंड थर्ड इज एरिया ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर हम यूजर से बोलेंगे एंटर योर चॉइस। एंटर योर चॉइस
यूज़र को अपनी चॉइस इनपुट करनी होगी आउट ऑफ दीज थ्री ऑप्शंस। उस चॉइस को हम चॉइस के अंदर रीड कर लेते हैं। इस चॉइस के ऊपर हम लोग स्विच लगाएंगे। यहाँ पर हम बोलेंगे केस वन। केस वन अगर है, यानी कि हमारी चॉइस अगर वन है, तो हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। उसके लिए हमें इनपुट कराना होगा एंटर सर्कल, के लिए हमें रेडियस इनपुट कराना होगा, एंटर रेडियस। यहाँ पर हम डबल में एक रेडियस ले लेंगे और इसको एसी डॉट नेक्स्ट डबल करके रीड कर लेंगे। सर्कल एरिया निकालने के लिए हम डबल में सर्कल एरिया ले लेंगे और यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल का एरिया का फार्मूला है। सर्कल एरिया हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे मैसेज। ये हमारा एक केस हो गया है। दूसरा केस रेक्टेंगल एरिया के लिए है। अगर इन केस केस वन से हमारा चॉइस मैच नहीं होता है, हमने चॉइस टू डाला है, तो सेकंड केस एग्जीक्यूट होएगा। इसमें हम बोलेंगे एंटर लेंथ एंड विड्थ। क्योंकि रेक्टेंगल एरिया के लिए लेंथ और विड्थ चाहिए होगी। यहाँ पर इंटीजर में लेंथ हम लोग लेंगे और इंटीजर में एक विड्थ लेंगे हम लोग। इंटीजर में एक हम रेक्टेंगल एरिया ले लेते हैं और यहाँ पर लेंथ इंटू विड्थ कर देंगे। ये केस टू हो गया हमारा। अब केस थ्री की बात आती है। इसमें हम लोग स्क्वायर एरिया निकालेंगे, तो इसके लिए हम बोलते हैं एंटर साइड ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर हम साइड को रीड कर लेंगे और इंटीजर में स्क्वायर एरिया इक्वल्स टू साइड इंटू साइड कर देंगे और इस मैसेज को हम प्रिंट करा देंगे। अगर इन तीनों में से कोई केस मैच नहीं होता, तो डिफ़ॉल्ट में हम लोग डालेंगे रॉन्ग चॉइस। डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसके बाद स्विच ख़त्म हो जाता है। इस प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं। माय कंप्यूटर में सी ड्राइव में JDK के अंदर हम लोग जाएंगे और इसके बिन फोल्डर में इस प्रोग्राम को क्लास के नाम से सेव कर देंगे। सेम वही स्पेलिंग, वही केसेस होने चाहिए। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। cd /cd jdk /cd bin एंड अब कंपाइल करेंगे स्विच विद इंटीजर डॉट जावा। कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। स्विच विद इंटीजर, अब हम इसको रन करेंगे। हमारे पास मेन्यू आ गया है जो हमने यहाँ पर बनाया था, 1 for area of circle, 2 for area of rectangle, 3 for area of square। अब अगर यहाँ पर मैं 1 डालता हूँ, तो जैसे ही 1 चॉइस के अंदर जाएगा, चॉइस यहाँ पर उस 1 को लेकर आएगा और वो केस 1 से मैच होगा, तो ये हमसे बोलेगा एंटर रेडियस। हम देख सकते हैं पूछ रहा है एंटर रेडियस। रेडियस मैंने डाला 2.5। अब इसके बाद ये सर्कल एरिया कैलकुलेट करेगा और प्रिंट करा देगा। दोबारा से फिर चलाते हैं। इस बार हमने बोला सेकंड ऑप्शन और इस बार हमने लेंथ 2 और 4 डाली, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया 2 4 8 आ गया है। तीसरी बार हमने इनपुट कराया और यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर डाला, विच इज़ ये हमसे साइड पूछ रहा है, तो हमने 5 डाला, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 25। चौथी बार हमने 5th ऑप्शन डाला जो कि इसमें नहीं है, तो वो हमें डिफ़ॉल्ट में लेकर आ जाएगा रॉन्ग चॉइस में, उसके बाद स्विच भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से स्विच स्टेटमेंट काम करती है।
ये हमने देखा कि स्विच कैसे अपना काम करता है विद इंटीजर्स। इंटीजर में हमने वैल्यू रीड करी और उसको वन बाय वन केसेस से मैच कराते चले गए। तो ये स्विच का एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था विद इंटीजर, जिसके अंदर हमने थ्री एरियाज़ निकाले हैं और उनके लिए एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम तैयार किया है। इस तरीके से स्विच विद इंटीजर काम करता है। अगर इस वीडियो में कुछ आपको समझ नहीं आया है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस होगी सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और इन्हीं वीडियोस को अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है जिसमें मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाता हूँ, उनका लिंक भी आपको इस चैनल के इन वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।